आगे जा रहे हैं मरवत शोएब शाहीन और बिशर गौर तीनों वकला को जिनको रात को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया है उनको पेश करने के ये मनाजिर हैं लाइव एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से गाड़ी से इनको उतारा जाएगा, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मजाक है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है। जिस तरह पार्लियामेंट में इन्होंने काले रंग की गाड़ियां अंदर ले के गए हैं, किस तरह पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गई हैं, तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। कल जमहूरियत पे हमला था, जमहूरियत पे सियाह दबा था, और आपके सामने किस तरह हमारे MNAs को पकड़ा गया। अभी तक हमें नहीं पता वो किस थाने में मौजूद हैं, किस जगह मौजूद हैं, किस पर्चे में गिरफ़्तार किया गया। किसी हमारे MNA की पहले कोई पर्चा नहीं था, जो गिरफ़्तार हुए चाहे वो हमद अदा थे, शेख वकास अकरम थे, सबकी अगर कोई थी तो उनकी बेल्स पे थे, और उनको गैर कानूनी तौर पे अभी तक रखा गया। पता नहीं कहाँ रखा गया, ये हमें अभी तक नहीं पता। कहा ये जा रहा है कि कुछ देर तक उनको पेश किया जाएगा, लेकिन हम इंतज़ार करें, अभी तक पेश नहीं किया। भुट्टर साहब ये बताएं कि ये वजह क्या थी ये गिरफ्तारियों की। अली अमीन की भी रात को खबर आती है, रात को 3 बजे पता चलता है कि वो KP हाउस में वापस आए हैं। ये सब चल क्या रहा है? ये बावले हो चुके हैं। किस तरह आपके सामने लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, इनको ये था कि शायद PTI या इमरान खान की पार्टी या पाकिस्तान की आवाम डर चुकी है, वो जलसों में नहीं शरीक होगी, वो रैलीज़ में नहीं शरीक होगी। लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत की, तो ये डर गए हैं, ये बावले हो चुके हैं। अब ये पागलों की तरह, नफसियाती मरीजों की तरह हरकतें कर रहे हैं, तो इनको पाकिस्तान के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, कल देखें, आज हम अपोजिशन में हैं तो कल ये होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह तमाशा और मजाक 2 साल से जारी है, और हम तो सह रहे हैं, और ये 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे जो इनके साथ होना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने जो के पुत्र नहीं हैं, 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे जो इनके साथ हशर होना है।
अच्छा मुझे बताएं क्या हकमत अमली होगी, क्या लाहमल होगा आगे, क्योंकि फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ कोर्ट से आप? बिल्कुल बेबुनियाद पर्चे हैं, सारे फर्जी पर्चे हैं, उन पे कोई किसी किस्म का कोई ऑफेंस ना उन्होंने किया है ना उन्होंने कोई जुर्म किया है। इसी तरह अगवा किया गया है। अभी 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 तक हमें नहीं पता कि कौन सी FIR है, कब हुई, किस जुर्म में FIR हुई, कौन से दफात लगाई गई हैं, हमें अभी तक नहीं इलम। अभी अगर उनको जब पेश करेंगे तो हमारे सामने FIR होगी, हमें तब भी पता चलेगा किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अभी तक हम भी ब्लाइंड हैं कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। और तो क्या होगा कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट? बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी पर्चे हैं, अदालतों का इंसाफ करना चाहिए और उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ करेंगी। और इनको बेबुनियाद और जो फर्जी पर्चे हैं जो इन पे अगर दिया गया है तो उधर से डिस्चार्ज करवाएंगे और इंशाल्लाह सबको रिहा करवाएंगे। हमारे 14 MNAs गिरफ्तार हैं।